अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई कम पार्ट वन बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनानी है 31 दिसंबर 2015 की डेट है। पॉइंट वन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2015 23,510। ये कैश बुक का बैंक बैलेंस है, इन बैलेंस एज पर कैश बुक है, नॉर्मल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं बताया गया, इस वजह से ये नॉर्मल बैलेंस है कैश बुक का, तो इसको डेबिट करेंगे। पॉइंट टू, सेकंड पॉइंट, चेक्स फॉर ₹3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, आपने कलेक्शन के लिए चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक कलेक्ट या क्रेडिट नहीं किए, प्रेयर टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से पहले कबल, यानी 31 दिसंबर तक ये चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए थे, तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं और इनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तीसरा पॉइंट, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4,000, 4,000 के ये चेक्स हैं, 28 दिसंबर को ये इशू हुए, वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2015। ये चेक आपने इशू किए, आपने नहीं जमा करवाए, आपने किसी को ये 4,000 का चेक इशू किया और उस पार्टी ने अभी तक ये चेक कैश नहीं करवाया और प्रेजेंट नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है और इसको हम हमेशा डेबिट करेंगे। और रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹400 इन पासबुक, पासबुक में जो है वो बैंक ने आपको रॉन्गली डेबिट कर दिया, गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में कमी कर दी, आपको डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग डेबिट है, तो उसको हम रूल के मुताबिक क्रेडिट करते हैं। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 का, बैंक चार्जेस ₹10 अपियर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस ₹10 के हैं, पासबुक में शो हो रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, कैश बुक में शो नहीं हो रहे, रिकॉर्ड नहीं हुए। इसका मतलब है बैंक ने बैंक चार्जेस की वजह से आपके अकाउंट में कमी कर दी, बैंक जब भी कमी करता है आपको डेबिट करता है, आप उसे अब क्रेडिट कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है असलम ट्रेडर्स का 2015 19,370। पॉइंट नंबर वन, तो सबसे पहले आपको कैश बुक का जो है वो बैलेंस दिया गया है और ये कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 12 में नॉर्मल बैलेंस है, तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस हम डेबिट करेंगे। पॉइंट नंबर वन, चेक अमाउंटिंग टू ₹2,820 इशूड टू अ क्रेडिटर एंड एंटर्ड इन द कैश बुक वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चेक 2820 का है, हमने किसी अपने क्रेडिटर को इश्यू किया जिसके पैसे देने थे और अभी तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, इसको हम डेबिट करेंगे। पॉइंट नंबर टू, एक चेक है 1750 का रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सल ट्रेडर, हमने किसी यूनिवर्सल ट्रेडर से पेमेंट लेनी थी तो उन्होंने हमें 1750 का चेक दे दिया, पेड इन टू द बैंक, हमने बैंक में जमा करवा दिया, वॉज डिसऑनर्ड और वो डिसऑनर हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1750 का चेक बैंक में जमा करवाया और बाद में हमें पता चला 2-3 दिन के बाद के चेक तो डिसऑनर हो गया, तो जब हमने चेक जमा करवाया था तो हमने अपने पास कैश बुक में बैंक को डेबिट किया था, और जब 3 दिन बाद ये चेक डिसऑनर होकर वापस आ गया तो जो हमने चेक जमा करवाते हुए बैंक में इजाफा करके अपने पास बैंक को डेबिट किया था, अब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो चेक डिपॉजिट हुआ और डिसऑनर हो गया, ये पहले डेबिट हुआ था और डिसऑनर के बाद इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 का, एन आउटस्टेशन चेक अमाउंटिंग टू ₹575 एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इन टू द बैंक बट हैज नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। एक आउटस्टेशन चेक है, यानी जो आउट ऑफ द सिटी चेक जो है वो कलेक्ट होना है, विद इन द सिटी बैंक ब्रांच से कलेक्ट नहीं होगा, ये आउटस्टेशन का एक चेक है 575 का, तो ये चेक जो है 575 का कैश बुक में एंटर हो गया और हमने बैंक में जमा भी करवा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ही अनकलेक्टेड चेक है या अनक्रेडिटेड चेक है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। बैंक चार्जेस ₹25 के बैंक चार्जेस हैं, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं हुए, इसका मतलब बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक ने हमें जो है वो पासबुक में डेबिट कर दिया है, हम उसे यहां पर क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ये इंटरेस्ट है
रुपीज 300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। इन इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और या शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह, ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। तो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो इंटरेस्ट पर्पज़ के लिए ली थी, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट था 300 का, तो वो आपके बैंक ने जो है वो कलेक्ट किया है, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज बैंक के पास रखवाई हुई होंगी, तो बैंक ने वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लिखा हुआ है कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, आप उसे अपने पास डेबिट रिकॉर्ड करो।